Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hassan and I am in class 8 in Nad Excellence School, Dekki. Today the topic of my presentation is parts of speech. Parts of speech are 8 in number in English grammar. Parts of speech total 8 in number in English grammar. Now the question is that what is English grammar? English grammar means that the rules and principles write and speak English language is known as English grammar. सबसे पहले मैं parts of speech का grade बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा. इस ग्रेड में मैचिंग साउंड वालों को एक साथ रखते हैं और जिनके स्पेलिंग एक जैसे होते हैं उनको भी साथ में रखते हैं. सबसे पहले जो रखेंगे वो नाउन है. अब नाउन के साथ मैचिंग साउंड जो रहता है वो प्रोनाउन है. और नाउन के साथ जिसके साथ मैचिंग स्पेल होते हैं वो प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके जो पहले दो वर्ड्स हैं वो पी आर है और प्रेपोजिशन के भी पी आर है. इसके बाद होता है वर्ब. वर्ब के साथ मैचिंग साउंड देता है एडवर्ब. और एडवर्ब के साथ मैचिंग जो स्पेल है वो एडजेक्टिव के हैं. इनके बाद होता है कंजंक्शन. और कंजंक्शन के बाद होता है इंटरजेक्शन. ओपन द चार्ट प्लीज. अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नाउन के बारे में. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन दैट कैन बी मेट, द प्लेस विच कैन बी विजिटेड एंड थिंग दैट कैन बी सीन. नाउन ऐसा कलम है जो किसी शख्स का नाम है जिससे आप कभी भी मिले हो, ऐसी चीज का नाम है जो आपने कभी भी देखी हो, ऐसी जगह का नाम है जिसकी आपने कभी भी सैर की हो. इसकी एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल में आप सब जितने लोग बैठे हैं मैं इनमें से किसी का भी नाम ले सकता हूं, जैसे कि ये मुदस्सिर है, जुनेद है, कुरतुल्ला, ये सब मैन के नाम में आ जाते हैं क्योंकि हम इनसे मिले हैं कई मरतबा और इन्हें देखा भी है. अब इसके बाद होती है प्लेस. प्लेस किसी भी ऐसी जगह का मैं नाम ले सकता हूँ जो जिसकी मैंने सैर की, उसे देखा, उसमें रहता हूँ. मैं कहता हूँ वी आर स्टैंडिंग इन द स्कूल. ये जो स्कूल का लाउज है ये जगह का नाम है क्योंकि हम इसमें रोजाना आते हैं और इसकी सैर भी करते हैं, पढ़ते भी हैं. इसके बाद है थिंग. मैं किसी भी चीज का नाम ले सकता हूँ, जैसे कि दिस इज ब्लैक बोर्ड, ये जो ब्लैक बोर्ड है ये भी थिंग में शामिल हो जाता है. ये मेज है, ये डेस्क है, ये जितनी भी चीजें पड़ी हुई है ये सब के साथ थिंग में भी आ जाती है. इसके बाद है प्रोनाउन. Pronoun is a word that used in place of noun. Pronoun ऐसा कलमा होता है जो कि noun की जगह इस्तेमाल किया जाए. किसी भी noun की जगह जो भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं he, she, it का, वो pronoun में आ जाता है. मैं अगर आपको एक मिसाल के तौर पर कहता हूँ हसान इज वॉकिंग, हसान चल रहा है, तो इसके जगह मैं अगर लगा दू ही इज वॉकिंग, वो चल रहा है, तो ये जो ही का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है ये नाउन की जगह हुआ है क्योंकि मैं मेरा नाम नाउन में आता है और ही जो है वो प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा. इसके बाद आता है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. प्रेपोजिशन ऐसा कलम है जो किसी भी दो चीजों के दरमियान, कोई भी दो लफ्जों के दरमियान, दो जुमलों के दरमियान या दो फिक्रों के दरमियान रिलेशनशिप तालक को शो करे, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं. मैं कहता हूं डस्टर इज लेइंग ऑन द टेबल. मैं अगर इसमें कह रहा हूं कि डस्टर जो है वो मेज के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसमें ये जो ऑन का लाल इस्तेमाल होगा ये प्रेपोजिशन के तौर पर होगा क्योंकि वो डस्टर और मेज के दरमियान में रिश्ते को शो कर रहा है. इसके बाद है वर्ब. वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन इन सेंटेंस. वर्ब ऐसे कलमा, ऐसा फेल होता है जो कि एक सेंटेंस में किसी भी अमल को शो करता है, उसे जाहिर करता है. मैं कह देता हूं आकेब इज रनिंग, आकेब दौड़ रहा है. इसमें ये जो रनिंग का लफ्ज होगा ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा क्योंकि ये आकेब सेंटेंस में एक एक्शन शो कर रहा है, दौड़ रहा है.
Next thing is elbow. Adjective is a word that tells us about goodness or badness of a thing. इसे उर्दू में इसमें सिर्फ कहते हैं और अब मैं इसके आपको तर्जमा करके बताता हूँ. एडजेक्टिव ऐसे कलमे को कहा जाता है जो कि हमें किसी चीज की अच्छाई बुराई खामी या खूबी के बारे में बताए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. मैं मिसाल देता हूँ कि आकिब इज अ बॉय, मैं कह देता हूँ आकिब एक लड़का है. मैं ये नहीं बता रहा हूँ किस तरह का लड़का है, अच्छा है बुरा है, मैं अब इसकी अच्छाई बयान करता हूँ. आकिब इज अ गुड बॉय, आकिब अच्छा लड़का है. तो इसमें ये जो गुड का वर्ड इस्तेमाल होगा ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा. नेक्स्ट थिंग इज कन्विक्शन. Conjunction is a word that joins two words, sentences or phrases. Conjunction ऐसा कलमा है जो कि दो चीजों को आपस में मिलाता है, दो जुमलों को मिलाता है, दो लफ्जों को और दो फिक्रों को, इसे conjunction कहते हैं. अब और एग्जांपल मैं कहता हूँ, टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं. इसमें ये जो एंड का लफ्ज होगा ये conjunction के तौर पर इस्तेमाल होगा क्योंकि वो दो और दो को लफ्ज को आपस में मिला रहा है. नेक्स्ट थिंग इज इंटरजेक्शन. Interjection is a word that shows some sudden feelings or emotion. Interjection ऐसा कलमा है जो कि कोई भी हमारी जो अचानक सी फीलिंग और जज्बात को शो करे उसे इंटरजेक्शन कहते हैं. मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर, हरा विवंद मैच, वाह हम मैच हरा, आ शाबाश, जय जय, इसका मतलब होता है हम मैच जीत गए हैं. तो इसमें ये जो हरा का वर्ड इस्तेमाल हुआ ये इंटरजेक्शन के तौर पर हुआ है. आई होप यू एंजॉय माई लेक्चर एंड एनी क्वेश्चन अबाउट माई लेक्चर.